हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो रेसिपी है वो है तंदूरी मोमोज। इसके लिए हमने दो पत्ता गोभी लिए थे छोटे छोटे, और दो अनियन ली थी। इनको बारीक सा पीस लिया था, ज़्यादा बारीक नहीं करना। इसका पानी जो है वो हमने छान दिया था बिल्कुल अच्छे से। अब ये हमने ऑयल डालेंगे पैन में थोड़ा सा, बिल्कुल ऑयल गर्म होने पर। दो हरी मिर्च हैं, दो प्याज डाल देंगे हम इसमें। दो हरी मिर्च जाएंगी, फिर लहसुन अदरक का ग्रेटेड करा हुआ वो पाउडर डाला है। दो हरी मिर्च डाल दी हैंगी। अब ये थोड़ी सी अपन को दालचीनी का यूज़ करना है, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। थोड़ा सा नमक डाल दें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें अच्छे से फ्राई कर लें, और थोड़ी सी मिर्ची डाली है, लाल मिर्ची, काली मिर्ची भी डाल सकते हैं आप लोग। इसमें हमने पत्ता गोभी डाल दिया है। ऑयल डाला हमने मैदा लेके थोड़ा सा, और थोड़ा सा नमक भी डाला। इसको पानी से अपन ऐसे गूंथ लेंगे, इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे बिल्कुल रोटी के आधे साइज की। ये हमने दही लिया है, दही को थोड़ी देर छन्नी में रखा था। लाल मिर्ची डाल देंगे इसमें अपन, नमक डाल देंगे। ये थोड़ी सी कसूरी मेथी है, और इसमें पुदीने का पाउडर डालें तो अब बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये थोड़ा सा फूड कलर डाला है, रेड ऑरेंज। और इसमें लहसुन अदरक डाल देंगे थोड़ा सा हम। इसको किनारे किनारे बेल लेना है उनको, और इसमें पाउडर छिड़क देना है थोड़ा मैदे का, जिससे वो चिपके ना। किनारे किनारे पानी लगा देंगे, और इसकी फिलिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। हल्का सा इसमें चाट मसाला डालेंगे हम इस पेस्ट में, और मीडियम गैस पे थोड़ा थोड़ा देर हल्का सा फ्राई करना है बस, क्योंकि इसको अभी मैरिनेट करेंगे अपन उस पेस्ट में, दही वाले पेस्ट में। ये सब हल्का फ्राई करके निकाल लिया। अब इसको दही इसमें मैरिनेट कर देंगे, 5-10 मिनट के लिए रख दीजिए बस। वो आधे ही फ्राई किए जाते हैं ये वाले सारे। ये इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग भी थोड़ा मसाला वगैरह ऐड कर सकते हैं। ये कोयला लिया, इसमें लेमन भी डाल सकते हैं, थोड़ा बहुत नींबू का टेस्ट अच्छा आएगा। ये कोयला गरम करके आप पे जो भी हो ओवन वगैरह तो आप ऐसे यूज़ कर लिए, या फिर डायरेक्ट आपको उस पर ग्रिल करना हो गैस पे तो गैस पे भी ग्रिल हो जाएगा अगर आप पे ये नहीं है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।